हेलो एवरीवन चलो आज मैं आपको सेंटेंस अरेंजमेंट सिखाऊंगी सबसे पहले और उसके बाद मैं आपको सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन में ले जाऊंगी बट आप पहले सीख लो क्योंकि अगर सीधा ले जाऊंगी ना तो फिर आप कंफ्यूज करोगे और सब कुछ को आप बनाने की कोशिश करोगे मैं आज आपको कराने जा रही हूं सेंटेंस अरेंजमेंट और सेंटेंस अरेंजमेंट में लेके आई हूं 2018 का लेकिन इसके पहले मैं आपको कुछ सिखा दूं कि सेंटेंस अरेंजमेंट बनता कैसे तब तक इस सेशन को शेयर तो कर लो हुँ? और लाइक भी नहीं करते हो तुम लोग बताओ कैसे होगा चलो अब मैं आपको सबसे पहले समझा दू कि सेंटेंस अरेंजमेंट होता क्या है और इसमें आपको पढ़ना क्या है बेटा सेंटेंस अरेंजमेंट के पहले एक और सेक्शन होता है वो होता है वर्ड अरेंजमेंट पहले ध्यान से सुनना कि वर्ड अरेंजमेंट का मतलब क्या है वर्ड अरेंजमेंट का मतलब होता है जब आप एक सेंटेंस बनाते हो वर्ड्स को अरेंज करके और वर्ड्स को जब अरेंज करते हो ना बेटा तो उसमें आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस काम आता है एक्टिव वॉइस का मतलब हो गया कि पहले एक करता रहेगा करने वाला सब्जेक्ट जब भी आपको सब्जेक्ट यानी कि करता दिखाई दे गया तो तुरंत ढूंढो ये सब्जेक्ट ने क्रिया कौन सा किया है यानी अगर क्रिया दिख जाए आपको तो आप ढूंढो कि करने वाला कौन है ताकि सब्जेक्ट को पहले लगा के फिर वर्ब को लगाए या फिर अगर वर्ब दिख रहा है तो देखो कि वर्ब करने वाला कौन है यानी उसके पहले सब्जेक्ट ढूंढो और अगर बाय चांस आपको सब्जेक्ट पे कंफ्यूजन भी हो तो बेटा वर्ब किस चीज पर हुआ अगर मैं कहूं टीच टीच क्या इंग्लिश ओके okay, तो मैं यहां पर ऑब्जेक्ट को अगर जोड़ दूं तो मुझे यह तो पता चल जाएगा ना कि कर्ता क्रिया और जिस पर काम हुआ वो तो है यानी एक्टिव वॉइस में यह स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस में अगर स्ट्रक्चर की बात करोगे तो वो ऑब्जेक्ट से शुरू होता है याद रखना आपको जब मैंने पैसिव वॉइस पढ़ाया था तो ऑब्जेक्ट से शुरू होता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है अब बेटा हेल्पिंग वर्ब जब आएगा उसके बाद जो मेन वर्ब होगा ना वो थर्ड फॉर्म में होगा यहाँ पर कई बार आपको लास्ट में बाई प्लस सब्जेक्ट एहसास कराएगा कि अच्छा अच्छा ये तो पैसिव वॉइस है यानी कि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो स्ट्रक्चर जो आपको वर्ड अरेंजमेंट सिखाता है आज मैं आपको जो कराने जा रही हूं वो 2018 का सेंटेंस अरेंजमेंट कराने जा रही हूं बेटा इंग्लिश स्पोकन का क्लास कल इसी समय चलेगा एक बहुत बढ़िया सेशन लेके मैं आऊंगी कल स्पोकन का मेरे स्पोकन वाले बच्चे बहुत इग्नोर फील कर रहे होंगे लेकिन मैं कल से कोशिश करूंगी वीक में दो दिन जरूर स्पोकन लेके आऊंगी मैं चलो ये देखो ये है आपका वर्ड अरेंजमेंट सबसे पहले बेटा ये स्क्रीनशॉट मार के रख लो ये बहुत काम की चीज है अभी कैसे काम आएगा यह सब चीजें वो मैं अब बताने जाऊंगी आपको लेकिन पहले बेसिक्स क्लियर करो ये बेसिक्स है कि भाई एक्टिव सब्जेक्ट फिर वर्ब वर्ब की को असर जिस पर पड़ रहा है किस पर ऑब्जेक्ट पर यानी जैसे मैं कहूं टीच कहोगे कौन अच्छा नीतू मैम यानी नीतू मैम के बाद टीचर्स आएगा टीचर्स क्या इंग्लिश अच्छा इंग्लिश है तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा और अगर पैसिव वॉइस है तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश इज का थर्ड फॉर्म इज दिखा तो आगे ढूंढूंगी है, है तो वी थ्री है क्या यानी पैसिव वॉइस है ठीक है दिस मीन्स आपको यह स्ट्रक्चर पता होना चाहिए अब चलते हैं हम दूसरा में जो मेन है आज जिसको आप काम करोगे जिस पर वो है आइए सुनो ध्यान से बेटा सेंटेंस अरेंजमेंट सेंटेंस अरेंजमेंट क्या है ये ध्यान से देखना बेटा सेंटेंस अरेंजमेंट का मतलब होता है सेंटेंसेस को ऐसे अरेंज करना ताकि वो एक मीनिंगुल मतलब जो मीनिंग अच्छा से ढंग से मीनिंग निकले वो मीनिंगफुल एक पैराग्राफ बनाए सेंटेंस अरेंजमेंट का मतलब है कि सारे सेंटेंसेस को ऐसे अरेंज करना कि मीनिंगफुल एक पैराग्राफ बने बेटा सेंटेंस अरेंजमेंट में पांच छह ट्रिक्स में बता दूं जिसको आप अभी स्क्रीनशॉट मार के रख लेना और इसको जरूर लिख के रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है पहला एक बात बताना आप ही बताओगे अगर मैं चार सेंटेंसेस में चार सेंटेंसेस में इट दिखाई दे रहा है मुझे इट मैं आपसे पूछ रही मैं चार सेंटेंसेस दे रही हूं एक में आपको इट दिखाई दे रहा है एक में पीपल दिखाई दे रहा है एक में आपको गवर्नमेंट दिखाई दे रहा है और एक में आपको दे दिखाई दे रहा है बेटा मुझे बताओगे कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ये है चार सेंटेंस जिसमें मुझे ये दिख रहे हैं आप मुझे बताओगे जोड़ा बना के बताओ तो किसके बाद कौन आएगा दो जोड़े आपके बनेंगे किसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा आप मुझे बताओगे जल्दी से प्रणय एक्टिव हो जाएगा बेटा आधे घंटे में एक्टिव हो जाता है नहीं होगा तो आप मेल कर देना या मुझे व्हाट्सएप कर देना मैं देख लूंगी ठीक है थैंक यू सो मच यस yes, देवरूपा बताना जोड़ा बनाओ बेटा वन के साथ टू की थ्री के साथ वन कैसे जोड़ा थ्री वन टू फोर सनी ने कहा है थ्री वन वेरी गुड गवर्नमेंट पहले होगा और बेटा गवर्नमेंट के लिए प्रोनाउन लगाते हैं इट थ्री वन और टू यानी पीपल होगा फिर इसके लिए प्रोनाउन लगाओगे फोर यस वेरी गुड ये जोड़ा बहुत बढ़िया सनी ने बनाया क्यों बेटा नाउन के बाद प्रोनाउन आता है हिंदी मीडियम वाले याद करो तो संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है बोलते हो ना बेटा के स्थान पर पहले तो बताओ कहते एक समय की बात है एक राजा था वंस अपॉन ए टाइम देर लिव्ड अंग ही वॉज वेरी काइंड बेटा किंग फिर ही यानी किंग के पहले ही का कोई मतलब नहीं है समझ में आया क्लियर वेरी गुड बेटा याद रखना पहले नाउन फिर प्रोनाउन ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है सेकेंड रूल सुनो ध्यान से आप लोग रूल समझते जाओ दूसरी बात मैं आपसे एक बात और पूछूंगी अगर मैं एक सेंटेंस में आपको बोलूं कि एक सेंटेंस में है अन आइडिया चलो एक सेंटेंस में एन आइडिया लगा रही और एक दूसरे सेंटेंस में मैं द आइडिया लिख रही हूं बेटा मुझे बताना कि वन टू ऑर्डर होगा कि टू वन ऑर्डर होगा जल्दी बताना तो वन टू ऑर्डर होगा कि टू वन ऑर्डर होगा सेंटेंस में ऑर्डर बताओ आप जरा सा कोमल आप मुझे व्हाट्सएप कर दो बेटा डबल एट सिक्स जीरो डबल थ्री ट्रिपल जीरो थ्री वेरी गुड आकाश एंड मधुर आकाश विश्वकर्मा वेरी गुड पहले बेटा मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया वंस अपॉन अ टाइम देर एक समय की बात है एक राजा था बेटा इस कहानी में इस वाक्य के बाद राजा का जिक्र जब भी होगा ना तो द किंग होगा यानी पहले इनडेफिनेट उसके बाद हम डेफिनेट यूज करते हैं ना यानी यहां पर भी हमारा जो ऑर्डर होगा वो होगा वन टू वेरी गुड समझ में आ गया क्लियर यानी कि हमें कई बार आर्टिकल भी एहसास करा देगा बेटा पहले क्या लगेगा अब सुनो फिर मैं आपसे एक और बात चलो ये आप स्क्रीनशॉट मार लो फिर मैं आगे बढ़ूंगी इसको आप स्क्रीनशॉट मारिए हो गया आप सुनो बेटा नेक्स्ट पॉइंट बेटा हमेशा सेंटेंस में हो सके तो जो कहते हैं ना पहला वाक्य जो इंट्रोडक्टरी वाक्य होते हैं वो होते हैं पहला वाक्य उस इंट्रोडक्टरी वाक्य को पहले पहचानो जैसे मैंने कहा अगर मैं चार पांच सेंटेंस दे दूं तो बचपन से आप कहानी सुनते आ रहे हो तुरंत कहोगे नहीं मैम वंस अपॉन ए टाइम देर लिव्ड अ ये पहला वाक्य होगा दिस मीन्स आप आइडेंटिफाई तो करिए आइडेंटिफाई द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस प्रथम वाक्य को पहचाने इंट्रोडक्टरी सेंटेंस प्रथम वाक्य को पहचाने आइडेंटिफाई द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जो पहला वाक्य है उसको पहचानने की कोशिश करिए बेटा अगर आप पहले वाक्य को पहचान लोगे तो बहुत अच्छा होगा नहीं तो लीस्ट आइडेंटिफाई द लिंक याद रखना लिंक का मतलब क्या होता है कि जोड़ेंगे कैसे लिंक आइडेंटिफाई द लिंक अगर मैं आपको तरह की बात जैसे अगर मैं कहूं बेटा दिस प्लान मान लो आपके पी क्यू आर एस सेंटेंस है आपको क्यू में दिखा दिस प्लान जैसे मैंने देखा दिस प्लान तो तिरंग दिमाग में आएगा भाई कौन सा प्लान कौन सा प्लान अब ये कौन सा प्लान आप ढूंढना शुरू करेंगे तुरंत कि भाई पी क्यू आर एस में Q में अगर दिस प्लान देखे कुछ दिया हुआ है तो मैं P R एन S में ढूंढूंगी भाई कौन सा प्लान जब तुरंत पहुंचेगा मेरा नजर कौन सा प्लान में और तुरंत मैं आइडेंटिफाई करूंगी अगर मुझे पता चल जाए कि उस प्लान का इंट्रोडक्शन आर में है तो मैं तुरंत ऑप्शन में ढूंढूंगी अच्छा आर के बाद कहा है समझ में आया अगर लिखा है दिस प्लान, मैं तुरंत ढूंढूंगी कौन सा प्लान अगर लिखेगा बुक्स, तो मैं तुरंत ढूंढूंगी भाई कौन से बुक्स और अगर वो बुक्स दिया हुआ है कुछ बुक्स का जिक्र पहले किया है आर में तो मैं तुरंत कहूंगी अच्छा आर के बाद क्यों होगा बेटा लिंक ढूंढने की कोशिश करो अगर आप लिंक ढूंढ लेते हो तो बहुत अच्छी बात होती है इससे फिर आप ध्यान रखना बेटा जो मैं आपको सिखा रही हूं ना आप चार में से दो ऑप्शन में पहुंच जाओगे आप चार में से दो ऑप्शन में पहुंच जाओगे बड़े आराम से आप तुरंत चार में से दो ऑप्शन में पहुंच जाओगे ठीक है फोर में से टू ऑप्शन में आराम से पहुंच जाओगे कहां पे जैसे आप लिंक ढूंढ लोगे वैसे अब सुनो ये जल्दी से उतारो जल्दी से स्क्रीन शॉट लो फिर मैं आपको एक और चीज समझाऊंगी बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख लो हालांकि अभी इतने व्हाट्सएप आ रहे हैं ना कि मैं परेशान खुद ही हो गई हूं बुक हो गया है आउट ऑफ स्टॉक जितने प्री बुकिंग वाले थे उनको चला गया है बीस पच्चीस लोगों का पता नहीं कहाँ डाइवर्ट हो गया मैं पागल हो गई हूं चलो देखो रेहान भी यहां बोल रहा है बेटा मैं अब आज देख ले रही हूं अभी आप मुझे व्हाट्सएप कर देना क्लास खत्म होने के बाद आज मैं आपका सबसे पहले दिखवाऊंगी ठीक है देखो ऑर्डर आईडी ठीक है आप मुझे व्हाट्सअप कर दो बेटा हो गया देवरूपा आपका मिल गया चलो क्लियर आप सुनो बेटा ध्यान से नेक्स्ट आपको और भी चीजें जो हेल्प करेगा सबसे पहले एक लिस्ट बना लो और उस लिस्ट में हो सकता है मैं जैसे जैसे आगे सेंटेंस बढ़ाऊंगी ना उसको साथ साथ ऐड करते जाऊंगी कैसे ध्यान से सुनना देखो जो सेंटेंस है उसमें जो सेंटेंस है उसमें शुरुआती सेंटेंस में इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड्स नहीं आएंगे वो लिख लो वी नॉट यूज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते वी नॉट यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द फर्स्ट सेंटेंस यानी इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में हम फर्स्ट सेंटेंस में ये जो दिए हुए वर्ड है फर्स्ट सेंटेंस में वो इस्तेमाल नहीं कर सकते कौन कौन सा नहीं कर सकते जैसे, बट also however nevertheless ठीक है देखो बट also however nevertheless क्लियर

Nevertheless, बेटा nevertheless का मतलब होता है जो बोला गया है उसके बावजूद ठीक है यानी कि कुछ बोला गया हो उसके बावजूद भाई क्या बोला गया पहले वो तो बताओ है ना पहले वो तो बताओगे राइट हाउ का मतलब बेटा जैसे कहते हैं ना खैर यानी कि जब कुछ बोल लेते हो ना तब हाउ एवर बोल के अपनी बात चेंज करते हो तो इसका मतलब हाउ तो शुरू में आएगा ही नहीं देखो nevertheless का मतलब लिख दिया बेटा नहीं सारे कंजंक्शन की बात नहीं हो रही है कि कोई भी कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं कर सकते ऐसा नहीं है ठीक है दस वेरी गुड और बताओ फाइनली Such. ये सारे वर्ड्स याद रखना फाइनली सच और बताओ Hence, तो हो गया बेटा सेंस देन एक और वर्ड है और एक काम करना सेंस देन तब से भाई कब से पहले बताओगे तब ना आगे बताओगे कब से वेरी गुड बेटा वो क्या बुक आप शुरू से ही पढ़ना शुरू करो क्योंकि मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बना के दिया हुआ है आप उसी ऑर्डर में पढ़ोगे जैसे ऑर्डर में आपको वो कैप का बुक दिया है मैंने ठीक है समझ में आ गया देखो जरा ध्यान से बेटा बट ऑल्सो हाउ एवर ने लेस देर फोर डेट्स वाई हेंस दस फाइनली सच सिंस देन और मैंने कहा था प्रोनाउन बेटा अगर चारों सेंटेंस में प्रोनाउन है तब तो हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन कहीं पर भी नाउन है तो पहले नाउन आएगा प्रोनाउन नहीं आएगा इसका मतलब है कि अगर सेंटेंस में नाउन आ गया तो भाई वो तो सॉरी प्रोनाउन आ गया तो पहले आइडेंटिफाई तो करो किस नाउन के लिए वो प्रोनाउन आया है अगर कहीं प्रोनाउन आ गया तो पहले आइडेंटिफाई तो करोगे किस नाउन के लिए प्रोनाउन आया है समझ में आया देखो फटाफट देखो देख लिया क्लियर अब सुनो ध्यान से बेटा वो क्या बुक के बाद जो आप लोग तो कर करके पागल हुए जा रहे हो बेटा मैं बता दू वो क्या बुक जिसका प्री बुकिंग था उनका डिलीवर हो गया बीस पच्चीस लोगों का कुछ एड्रेस वगैरह के कारण मिसप्लेस है बस बाकी लोग जो ऑर्डर किए हो 28 के बाद आप बेटा आपका ऑर्डर अब पूरा होगा जब मेरे पास 13 तारीख को आगे बुक की डिलीवरी आएगी तो ठीक है बिल्कुल खत्म हो चुका बहुत तेजी से उड़ा क्लियर आप सुनो ध्यान से बेटा ये समझ में आ गया अब आगे चलते हैं जो मैंने आपको कहा था कि पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो फिर आपको पढ़ाएंगे आ जाओ ये पहला आपका सेंटेंस है 2018 में जो क्वेश्चन आया है जल्दी फटाफट देखो और आंसर बताओ तो हम्म जल्दी से जल्दी से हम्म आंसर मिल गया मुझे आंसर इसलिए मिल गया क्योंकि मैंने देख लिया कि भाई यहां पे क्या होगा सुनो ध्यान से बेटा द कैफे ओनर सेस बेटा किस कैफे की बात हो रही है मुझे तो पता ही नहीं है ना पहले तो पता तो चले कि कैफे किस कैफे की बात हो रही है किस कैफे ओनर की बात हो रही है ये पता नहीं चल रहा है चलिए अब आगे देखो एनीवे anyway, हो सकता था आगे देखते नन ऑफ देम बेटा ये देम कौन है पहले हमें पता चले तब ना हम इससे शुरुआत करेंगे ये भी नहीं शुरुआत होगा हियर यू सिप हियर कहां पे, here, किस जगह पे किस जगह पे दिस कैफे ये कैफे विच हैज ओपन इन टोक्यो हो गया मेरा काम इसका मतलब है इंट्रोडक्टरी वाक्य मुझे मिल रहा है जो अभी अभी टोक्यो में ओपन हुआ है इज नॉट फॉर द फेंट हार्ट फेंट हार्टेड जो होते हैं ना बेटा वो डरपोक होते अच्छा, डरपोक लोगों के लिए ये कैफे नहीं है क्यों भाई यहां पर ऐसा क्या होने वाला है अब मैं जैसे मैंने देखा कि डरपोक लोगों के लिए नहीं है तो भाई ऐसा क्या होने वाला है यहाँ पे हियर यू सिप योर ड्रिंक इन द कंपनी ऑफ थर्टी फाइव इसीलिए क्योंकि यहां पे आप अपने कॉफी को अपने ड्रिंक को पियोगे पैतीस के साथ इसीलिए ये डरपोक लोगों के लिए नहीं है डी के बाद सी बेटा डी के बाद सी मुझे यहां दिखाई दिया डी के बाद सी मुझे यहां दिखाई दिया तो मैं समझ गई कि मैं ऑप्शन चार में से दो ऑप्शन में तो मैं पहुंच गई हूं ठीक है अब सुनो the cafe owner says he is interested in conversation and hopes customers will realize the animals are worth saving even though they often have a bad reputation this means ये तो बाद में अपनी विचार बताएगा ना कि ऐसा कैफे उसने क्यों खोला है है ना ऐसा कैफे उन्होंने क्यों खोला हो तो बाद में बताएगा यानी ए से शुरुआत तो हो नहीं सकती है इसीलिए बी होगा आंसर आप लोग सब बीमा की कर रहे हो रेहान ठीक है बेटा क्लास खत्म के बाद देख लूंगी ठीक है समझ में आया क्लियर बताओ न्यूज टू वन टू नाइन बेटा मुझसे आप व्हाट्सएप में बात कर लेना मैं देख लूंगी आपका क्लियर समझ में आ गया देखो तो हम्म देखो आंसर आ गया मैं पहले इसको बंद करूं ये जब तक खुला रहेगा ना तो फिर मैं उसको सेव नहीं कर पाऊंगी ठीक है ये तो आप लोगों ने कर लिया है ना बोलो चलो मैं इसको दे भी देती हूं आपको ठीक है ये सेंटेंस अरेंजमेंट आपको मैं प्रोवाइड भी कर दूंगी सेंटेंस अरेंजमेंट। एक सेकेंड बेटा सेंटेंस अरेंजमेंट, अभी थोड़ी देर में जैसे ये खत्म होगा ना क्लास वैसे आप चले जाना किसमें के डी लाइव में, में टेलीग्राम चैनल में आपको यह मिल जाएगा ठीक है अब चलो अब मैं जो लिखूंगी अब सेव होता जाएगा आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन जरा बताओ तो क्या होगा बेटा ऑनलाइन बैच मेरा के डी लाइव ऐप पे आता है बताओ हम्म मैं आंसर दे सकती हूं तुरंत लेकिन पहले मैं चाहूंगी कि आपको वो रूट, वो रूल सिखाना वो तरीका सिखाना जो मैंने आपको बताया बेटा दो क्वेश्चन आते हैं प्री में है ना तो इसीलिए करना तो जरूरी है सब तो दो दो तीन तीन क्वेश्चन के ही आते हैं यार, है ना? मिल के हो जाता है इतना ढेर सारा सुनो ध्यान से बेटा एन एनवाटल ग्रुप फॉर्म्रॉस्पी बेटा का मतलब लिख लेना पे आपको मैं समझा दूँ इसका मतलब है पोस्टमार्टम ठीक है अब पोस्टमार्टम किस पर किया ऑन द एनिमल किस एनिमल के बारे में बात हो रहा है भाई अभी तक तो हमें कुछ पता ही नहीं इसलिए ए से तो शुरू हो नहीं सकता यानी ये गया. फोर पॉइंट सेवन मीटर लॉन्ग वेल डाइड ओके ये वेलमरा है फिलिपींस में वेर इट वॉज स्ट्रांडेड अ डे अर् स्टैंडर्ड मतलब होता है ना बेटा कहीं पर फंस जाना जहां पर आप जहां से निकल नहीं सकते हो जैसे मान लो बस अगर नहीं आए तो यू आर मतलब आप वहां पर फंस गए हो कहीं आगे न जा पा रहे ना पीछे जा पा रहे हो दिस ये स्टैंडर्ड हो गया था एक दिन पहले और वो वहीं पर मर गया 4.7 मीटर लॉन्ग वेल यानी कि बी से हमारी शुरुआत हो सकती है चलो अब हम एक बार डी चेक कर ले द एनिमल डाइड फ्रॉम स्टार्वेशन ओके पहले तो मरेगा फिर बताएगा ना कैसे मरेगा यानी डी से शुरुआत तो नहीं होगी हो गया हो अब बी के बाद ए तो फाइनल है बेटा देखो तो बी के बाद ए तो फाइनल है बी के बाद ए फाइनल है कि वो मर गया और ए ग्रुप एनवायरमेंटल ग्रुप ने उसका पोस्टमार्टम किया और क्या पाया फोर्टी किलोग्राम्स ऑफ प्लास्टिक इंक्लूडिंग ग्रोसरी बैग्स एंड राइस उसके अंदर फोर्टी ग्राम प्लास्टिक था ठीक है अब आते हैं कि ए के बाद सी सही है कि ए के बाद डी सही अब देखो ए के बाद अगर हम सी लगाएं, तो सी में कह रहा है इट इज वेरी डिस्गस्टिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग ही सेड कौन सेड ही सेड कौन भाई ये ही कहां से आ गया नहीं पता चलो इसमें देखते हैं। ओके मुझे मिल गया ही कौन है डायरेक्टर ऑफ डी बोन कलेक्टर म्यूजियम का जो डायरेक्टर है डेरल ब्लैक के ब्लैक केले है ना यानी कि इसके लिए ही लगाया गया है पहले नाउन फिर प्रोनाउन डी के बाद सी यानी पहले डी फिर सी देखो तो सही है कौन सा ऑप्शन मार्क कर रहे हो तुम लोग पहले डी फिर सी कहां पे है हो गया आंसर क्लियर देखो वेरी गुड तुम लोग भी सही कर रहे हो और तुम लोग जल्दी कर रहे हो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है क्योंकि आपको एक बात बता दूं मैं बेटा इस तरह का सेंटेंस जहां पे आखिरी मतलब पहला दूसरा भी सेम हो आखिरी आगे पीछे हो यानी कि आपको पूरा पूरा करना पड़ जाएगा और मुझे पूरा करना पड़ गया देखो बेटा कंप्लीट इंग्लिश का बैच अभी आया है मैंने फ्राइडे को उसका डेमो लिया है के डी लाइव में फिर मंडे को डेमो लूंगी दैट ऑफ पॉल्यूशन भाई कौन सा सॉर्ट ऑफ पॉल्यूशन दैट इसका मतलब ये पहला तो हमको समझ में नहीं आया कि दैट सॉर्ट ऑफ पॉल्यूशन कौन सॉर्ट ऑफ पॉल्यूशन राइट टल ग्रुप दिलिपीन वर्ल्ड बिगेस्ट ओशन पोल्यूट फिलिपी सबसे गंदा करने वाला देश है ड्यू टू इट्स रिलायंस ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक वो सिंगल यूज एक बार जो प्लास्टिक यूज करके फेंक देते हैं उस पर बहुत रिलाई करता है ओके ठीक है मेरा बी से शुरू हो सकता है अब जरा एक बार डी को भी देख ले In the latest case, a whale with 40 kilos of plastic trash in its stomach died on Saturday in southern Philippines, where it was stranded a day earlier. देखो उसी से जोड़ा है, है ना? अब आप ध्यान से देखो थर्ड में कि डी से भी हम शुरुआत कर सकते थे आप महसूस कर रहे हैं? है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि प्लास्टिक से मर गया एक वेल अगर मैं इससे शुरुआत करना चाहूं तो क्या डी के बाद ए चलेगा देखो तो दैट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन बेटा यहां पर वेल की बात किया है उसके बाद पोल्यूशन की बात कैसे कर देगा यानी कि ये गया। अगर आप कहोगे मैम हम इससे भी तो शुरुआत कर सकते थे तो एक तो बेटा इन द लेटेस्ट केस कह दिया है। यानी किसी लेटेस्ट केस की बात कर रहा है हम अगर इससे शुरुआत भी कर दे तो डी के बाद ए तो फिट बिल्कुल नहीं हो रहा है इसीलिए एकदम तुरंत बनना चाहिए कैसे बी इसने कहा है कि फिलीपींस सबसे ज्यादा गंदा करने वाला देश है बी के बाद सी इन था एंड बी के बाद ए

वाइड स्प्रेड इन अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस तब कहेंगे इन थाईलैंड आल्सो अ वेल डाइड डाइड सुनो अ वेल आफ्टर मोर सोल फाइव प्लास्टिक बैग्स ठीक है ना फाइव प्लास्टिक बैग्स खा के मर गया और इन द लेटेस्ट केस लो यहां पर भी वही सेम चीज यानी सी और डी दोनों लेटेस्ट केस की बात कर रहा है ठीक है और यहां पे दैट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन बाकी भी देशों में है जैसे थाईलैंड में आगे हम यानी कि बी के बाद ए और उसके बाद क्या बताओ बी के बाद ए और उसके बाद, और उसके बाद ये डी और सी बेटा एक साथ होगा समझ में आ रहा है क्यों डी और सी एक साथ क्यों होगा क्योंकि यहां भी वेल की बात यहां भी वेल की बात सी डी एक साथ कहां है सी डी यहां एक साथ है सी और डी यहां अलग अलग है ठीक है ना इसलिए बी ए एक साथ सी डी दोनों वेल की बात कर रहा है दोनों एक साथ बी ऑप्शन होगा देखो तो समझ आया? में आया बेटा ध्यान रखना जहां पे हम जोड़े बना सके यहां भी वेल की बात हो रही है यहां भी वेल की बात हो रही है यानी कि अगर हम बात करें वेल और वेल सी डी सी डी अगर सी डी की बात अगर हम खाली यहां भी अटका देना कि भाई सी और डी एक साथ होगा तो बेटा सी और डी यहां और सी और डी यहां ये यह दोनों एक साथ हो गया फिर हम जाएंगे क्या ए से शुरुआत हो सकता है दैट सॉर्ट ऑफ पॉल्यूशन नहीं हो सकता इसलिए ये वाला खत्म यानी अगेन यही बचा एक और तरीका कि भाई वेल की बात हो रही है यहां भी वेल की बात हो रही है तो सी डी एक साथ होगा सी डी एक साथ यहीं पर है लेकिन डाट सॉट ऑफ पोल्यूशन डाट कौन डाट पता नहीं ए से शुरुआत नहीं हो सकता बच गया ये यानी अगर हम तुक्का भी मारेंगे ऐसे भी तो भी चलेगा देखो ध्यान से ठीक है यानी कि आंसर हमारा बी निकला नेक्स्ट आओ जरा देखो फोर्थ क्वेश्चन बनाओ तो संजय चौरसिया बेटा आप मुझे व्हाट्सएप कर दो अभी थोड़ी देर में आपको मैं भेज दूंगी वहां पे कल आपके पास फोन आ जाएगा ठीक है जल्दी फोर्थ का आंसर बताओ मुझे देखो और बताओ फोर्थ का आंसर हम्म ध्यान से द एलिफेंट टास्क फ्रॉम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फॉर टू मंथस इन थाईलैंड था इट इज द बिगेस्ट सीजर बिगेस्ट सीजर यानी सबसे बड़ी माल की पकड़ जो पकड़े हैं ये लोग कन्फिस्केट किए हैं, जब्त किए हैं सबसे बड़ा जब्त किया हुआ इनके इनके द्वारा जो जब्त किए हुए माल है आज तक उसमें से सबसे बड़ा है जरा एक बार नजर डाल दे कि भाई सबसे बड़ा है तो जरूर मार्क के बारे में कहीं बताया गया होगा सिक्स मिलियन मार्केट वैल्यू का आइवरी यानी हाथी दांत पकड़ा गया है यानी सी है और सी के बाद बी बेटा बिल्कुल फिट हो रहा है सी के बाद बी फिट हो रहा है क्यों जैसे मैंने पहला पढ़ा कि द एलिफेंट टास्क यानी हाथी के जो दांत थे वो ट्रैक किए गए थे कहां से से दो महीने तक ट्रैक किया जा रहा था कि भाई कहां जा रहा है है ना कस्टम ऑफिशियल्स जो थे थाईलैंड में कहा कि इट इज द बिगेस्ट सीजर जब कहे बिगेस्ट सीजर यानी कितना बड़ा माल पकड़ा गया भाई तो तुरंत फट से नजर पहुंचा कि सिक्स मिलियन डॉलर्स मार्केट वैल्यू का आइवरी पकड़ा गया है यानी यही तो बता रहा है कि ये बिगेस्ट सीजर है सी के बाद बी सी के बाद बी सी के बाद बी सी के बाद बी यही दिख रहा है मुझे है ना अब आओ क्या ए के बाद देखो मेरे मेरा हो गया काम अब मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है ठीक है क्लियर अब सुनो फिर से एलिफेंट टे ट्रैक्ट फ्रॉम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फॉर टू मंथस दो महीने तक ट्रैक किया गया ऑफिसर्स क्या बोल रहे हैं देवर बींग ट्रांसपोर्टेड टू लाउस यानी कि देखो ट्रैक किया गया ट्रांसपोर्ट किया गया यही तो जगह जगह जा रहा है वो समझ में आ रहा है Believed to be the ivory would be sold to customers across Asia. Across Asia इसको बेचा जाता This means ऐसे भी A के साथ D fit हो रहा है क्योंकि यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से इधर ये सब कुछ बताया जा रहा है कहाँ कहाँ transport हो रहा है Anyway मुझे मतलब नहीं था मेरा C के बाद B fit हो गया अब मुझे और कहीं पर भी C के बाद B दिख भी नहीं रहा है कि मैं परेशान हूँ. है ना मेरा ऑफलाइन क्लास लेनी है मेरी तो मुखर्जी नगर आ जाओ दिल्ली मुखर्जी नगर आ जाओ 16 तारीख को मेरा बैच शुरू हो रहा है संजय बेटा इतने मैसेजेस लोग कर रहे हैं ना कि मैं पागल हो गई मेरा मोबाइल एकदम जाम हो गया थोड़ा सा वेट करो वाई नॉट बी बेटा सी के बाद बी ऐसे भी बी में है नहीं ठीक है ना सी के बाद बी चाहिए और ए और डी फिट हो रहा है एक साथ ए और डी इसमें भी नहीं है एक साथ समझ में आया जोड़ने की कोशिश करो याद रखना आपको पेयर देखना पड़ेगा किसके साथ कौन सा पेयर फिट हो रहा है राइट चलिए नेक्स्ट आइए एंड एट फोर फोर मिलियन डोंट हैव एक्सेस एंड मुझे क्या पता भाई किसके साथ बात हो रही है ए से तो होगा ही नहीं फोर बिलियन पीपल इन दर्ल्ड लिव इन बेसिकली वॉटर्स एरिया चार मिलियन पीपल ऐसे में रहते हैं जहां पानी नहीं है एंड एट फोर फोर मिलियन पीपल डोंट है साफ पानी जो चाहिए वो लोगों के पास नहीं है कितने लोगों के पास एट फोर्टी फोर अब इसका मतलब है आप खुद देखो ये कहा गया डी कहा गया इसमें है? इसका तो डी ही गायब है। ये कैसे हो गया चलो एनी anyway, पहले देख लेते हैं क्या है। डी इसमें है नहीं बिना डी का बनेगा जरा देखो तो इसमें डी कहां गया फिफ्थ का मैं अभी जब लोड करूंगी तो डी के साथ लोड कर दूंगी ठीक है कुछ गलत हुआ है फाइव नंबर खाली सी तक है ऐसा कैसे होगा एनी anyway, चलो अगर क्या हम ऐसे भी कर सकते हैं ऑप्शन डी कहा गया बात तो सही है एनी anyway, हमें ऑप्शन डी की जरूरत भी नहीं पड़ रही है यार आ देखो ना मैं तो सच कह मैं ऑप्शन डी मुझे नहीं भी मिलता तो भी मैं बना के रख दू कैसे आ, देखो अराउंड चार बिलियन पीपल के पास पानी नहीं है वाटर स्केर्स एरिया में रहते हैं और 844 मिलियन के पास साफ पानी नहीं है क्योंकि एंड अगर जोड़ोगे बेटा तो इसके साथ जुड़ेगा ना और इसका रीजन भी तो दिया है बी के बाद ए देखो बी के बाद ए बी के बाद ए एक ही में है नहीं बी के बाद ए एक ही में है देखो तो राइट अभी मैं आपको इसको सही करके बिठा दूंगी सही है आंसर तो आ गया मैं अभी इसको सही करके डलवा दूंगी ठीक है क्लियर चलो नेक्स्ट आप सिक्स नंबर जल्दी से बनाओ तो देखो तो सिक्स नंबर में आंसर क्या होगा एन एस्टिमेटेड सेवेंटी परसेंट ऑफ दिस प्लास्टिक बटा कौन सा प्लास्टिक मुझे तो नहीं पता कौन से प्लास्टिक भाई दिस प्लास्टिक यानी कि अब हमें पता है कि ऐसे शुरुआत तो हो ही नहीं सकती दिस इज अ प्रॉब्लम भाई, दिस कौन सा प्रॉब्लम ये भी नहीं पता यानी ए और बी से शुरुआत तो हो ही नहीं सकती दिस इज अ प्रॉब्लम कौन सा प्रॉब्लम एंड मच ऑफ इट इज नॉट एंड से भी शुरुआत नहीं हो सकता यानी कि ए से शुरुआत होगा नहीं बी और सी का कोई ऑप्शन भी नहीं दिया है सी से शुरुआत हो रहा है, है ना एट मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक एंड इन द एवरी ईयर मिलियन टन प्लास्टिक हर साल ओशन में डाले जाते हैं कॉसिंग डैमेज टू इकोसिस्टम इको कमजोर वहां का इको सिस्टम होता है बेटा बहुत डेलीकेटली बैलेंस किया इको सिस्टम है उसको बहुत खराब से डैमेज कर रहा है अब बताओ सी के बाद ए होगा कि सी के बाद डी होगा बताओ बता एस्टिमेटेड सेवेंटी परसेंट ऑफ दिस प्लास्टिक विच एंटर्स द सी डूब जाते हैं यानी नीचे जाके तली में बैठ जाते हैं एंड मच ऑफ इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल इसका मतलब है कि मैं सी के बाद ए करूं कि सी के बाद डी करूं अगर मैं ये सोचूं कि देखो एक बात है कि अगर मैं कहूं कि सी के बाद डी होगा तो एंड मच ऑफ इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल अधिकतर इसमें से बायो जो डिग्रेडेबल है वो नहीं है यानी कि उसको जीव जो उसमें काम करके उसको डिग्रेड कर देते हैं वो नहीं कर पा रहे ठीक है एंड एस्टिमेटेड सेवेंटी परसेंट ऑफ प्लास्टिक विच एंटर्स द सी सिंग्स दिस इज अ प्रॉब्लम दट स्ट्रेचेस फार बियॉन्ड इंडिया ये ऐसा प्रॉब्लम है जो इंडिया से बाहर दूर दराज क्षेत्र तक भी फैले हुए हैं एक बात सुनो ध्यान से सबसे पहले ये जो ये है ना ए और डी बेटा ये ए और डी एक साथ होना चाहिए क्यों क्यों खुद सोचो मैं कह रही हूं सत्तर प्रतिशत प्लास्टिक डूब जाते हैं नीचे तली में बैठ जाते हैं और ये मैक्सिमम है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है जो कभी खत्म नहीं होंगे अच्छा ये जो इंडिया के बाहर भी ये प्रॉब्लम है क्या आपको लगता है ए और डी के बीच में घुसेड़ दूंगी तो कोई अच्छा मीनिंग देगा नहीं ए और डी अगर एक साथ रखूंगी ना तो ये सही मीनिंग दे रहा है कि भाई सत्तर प्रतिशत नीचे डूब जाता है और इनमें से अधिकतर तो बायोडिग्रेडेबल ही नहीं है अब हम देखेंगे ए और डी बेटा ए डी यहां साथ में है और ए और डी पर अलग है और बीच में ये इंडिया घुसा पड़ा हुआ है यहां पे शुरुआत तो सी से होगा लेकिन सी से यहां भी शुरुआत है लेकिन यहां पे ए और डी साथ में है जो दोनों प्लास्टिक की बात कर रहा है और इंडिया की बात लास्ट में कर दिया यहां पे इंडिया वाले बात को जबरदस्ती प्लास्टिक डूब जाता है और प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है वो दोनों के बीच में घुसा दिया है दिस इज रॉन्ग इसीलिए मैं मानूंगी कि भाई दोनों को एक साथ रखो ए माक करो ठीक है ए माक करो यानी आंसर इज देखो ए और डी साथ में रखो क्योंकि दोनों में प्लास्टिक की बात की गई है बेटा आपको रिलेशन सोचना पड़ेगा ठीक है हाँ मच ऑफ प्लास्टिक तो सही है हाँ क्लियर समझ में आया दुक्का नहीं मारो बेटा दुक्का क्यों मार रहे हो इतना बढ़िया से समझा रही कि भाई इसमें प्लास्टिक की बात है इसमें प्लास्टिक की बात है मच ऑफ इट मच ऑफ it इज नॉन बायोडिग्रेडेबल खुद सोचो बेटा डी तो आपको ए के साथ ही रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों प्लास्टिक की बात हो रही है अब आप अगर कहोगे कि मच ऑफ इट यानी कि डी इज नॉन बायोडिग्रेडेबल तो फिर इंडिया भी बीच में डाल दिया और फिर सत्तर परसेंट प्लास्टिक पे आ गए। ये कैसे हो सकता है समझ में आया इसीलिए आंसर इस देखो नेक्स्ट आओ सात नंबर देखो तो बना के फटाफट सेवन नंबर पे आओ मैंने आपको तरीका सिखाया है आज ताकि आप उस तरीके को समझो और उसको अप्लाई करो ठीक है जल्दी फटाफट बनाओ तो बस मेरे पास आ गया मेरे पास आंसर आ गया जल्दी से मैं आंसर देख के ऑप्शन देख के आंसर बताती हूं आपको ऑप्शन देखकर वो क्या बुक बहुत अच्छी है बट टॉपिक सॉल्यूशन करा दो अरे वाह मतलब सब मैं कराते रहो तुम्हें बुक भी कराऊ चल वेरी गुड सुनो ध्यान से बेटा अब इसमें देखो ध्यान से मैंगो द सो कॉल्ड किंग ऑफ फ्रूट्स यानी कि फलों का राजा कहलाता है इज समथिंग ऑफ ए नेशनल ऑब्सेशन इन इंडिया यानी ये नेशनल ऑब्सेशन है भाई यानी ए तो मुझे सही लग रहा है शुरुआत के लिए अब जरा सी देख ले शुरुआत के लिए इट रिजल्टेड इन प्राइस कमिंग डाउन भैया ये तो हो ही नहीं सकता ये खतरा ए के बाद डी ही होगा 2017 प्रूव्ड टू बी वेरी गुड ईयर फॉर मैंगो लवर्स भाई क्यों भाई 2017 बहुत अच्छा था मैंगो लवर्स के लिए क्यों डी के बाद सी की डी के बाद बी ऐसा क्यों था देर वॉज अ बंपर क्रॉप ऑफ मैंगो इन डिफरेंट स्टेट ओके और सी It resulted in prices coming down. बेटा जब बम्पर पैदाइश होगा ना तब प्राइस कम डाउन होगा है ना यानी बी के बाद सी होगा बी के बाद सी बी के बाद सी होगा सी के बाद बी नहीं होगा क्योंकि जब पैदावार बढ़ेगा बोला 2017 बहुत अच्छा था क्यों क्योंकि बंपर हुआ पैदावार और प्राइस नीचे चला गया लोग बहुत खुश हो गए राइट देखो पहले पैदावार बंपर होगा तब ना प्राइस नीचे जाएगा है ना क्लियर बेटा तुक्का नहीं तुक्का है एग्जाम में अगर जब आपके पास टाइम नहीं तो क्या करोगे तुक्का लगा लोगे लेकिन यहां पर जब सीखोगे ना तो जानते हो एक चीज में बताती हूँ बेटा चार में से दो ऑप्शन तो एक झटके में एक सेकेंड में एलिमिनेट करोगे चार में से दो ऑप्शन तुरंत खत्म होगा बाकी दो में कई बार होता है आपको तुक्का लगाने की जरूरत पड़ जाती है पंकज कल मैं लूंगी बेटा स्पोकिन का बढ़िया क्लास रात को दस बजे ठीक है चलो नेक्स्ट आओ अराउंड चलो पहले बनाओ तो आप एक बार कोशिश करो नहीं तो फिर कहोगे मैम ने पहले बता दिया हुँ? मैं बेटा जो तरीका बता रही हूं उसको फॉलो करोगे चार में से दो ऑप्शन तुरंत खत्म होगा ठीक है चार में से दो ऑप्शन तुरंत खत्म होगा कैसे अब फिर सुनो ध्यान से अराउंड सिक्स हंड्रेड मिलियंस ऑफ देम देम कौन है भाई पहले तो पता ही नहीं देम कौन है ए हो ही नहीं सकता शुरुआत में बस एक सेकेंड में खत्म दो ऑप्शन खत्म एटलीस्ट तुक्का भी मारोगे तो गलती और सही होने की फिफ्टी फिफ्टी परसेंट चांस हो गए ना बेटा ट्वेंटी फाइव परसेंट चांस तो नहीं है ना ठीक है अब आओ बी से इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द वर्स्ट वाटर क्राइसिस सबसे गंदा वाटर क्राइसिस इंडिया झेल रहा है with 1 billion people living in water scarcity. एक बिलियन पीपल वॉटर के स्केसिटी में वॉटर की कमी में जी रहे हैं ओके okay, बी के बाद ए देख ले बी के बाद डी देख ले बी के बाद ए आएगा क्या देखे तो से उसमें से भी हाई वाटर क्राइसिस में करीबन सिक्स हंड्रेड मिलियन लोग रहते हैं मेरा तो फिट हो रहा है चलो डी भी देख लेते हैं एक बार बी के बाद डी फिट हो रहा है क्या द रीजन इज दैट ट्वेंटी फोर परसेंट इंडिया यूजेस द मोस्ट ग्राउंड वाटर ड्रॉन आउट ग्लोबली बेटा रीजन तो बाद में बताएंगे ना पहले बात तो खत्म करो कि एक बिलियन पीपल को पानी की कमी है उसमें से छह सौ मिलियन लोग जो है उनको तो बहुत भयंकर पानी की कमी है यानी बी के बाद ए ज्यादा फिट हो रहा है बाद में रीजन उजन की बात करेंगे है ना देखो फिफ्टी परसेंट तो एलिमिनेट एक सेकंड में हो जाएगा बाकी आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा और वो मैं आपको बता ही रही क्योंकि डेम समझ में नहीं आया कौन है जब ये बताया तो कहा अच्छा वन बिलियन पीपल में से छह सौ मिलियन तब तो अब समझ में आ रहा है क्योंकि पहले नाउन पता चलेगा तब ना प्रोनाउन की बात करेंगे चलिए नाइन नंबर को देखो जरा ध्यान से कैंपस के क्लास तो चल रही है हाँ नाइन्थ जल्दी देखो तो जल्दी ए डी सी बी इसमें तो चारों ऑप्शन है आ जाओ कैनेडा अकाउंट्स फॉर नियरली वन थर्ड ऑफ द दर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ न्यूज प्रिंट बेटा ए से सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स देयरफॉर देयरफॉर का मतलब हो गया कि ये इसके पहले कुछ और बात की जा चुकी है इसकी बीस से शुरुआत तो नहीं होगी अ लार्ज पार्ट ऑफ कैनेडा इज कवर्ड विद कॉनिफरस ट्रीज यानी ये अगर हम बात करें तो कैनेडा अकाउंट्स फॉर नियरली वन थर्ड ऑफ दर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ न्यूज प्रिंट अगर मैं कहूं कि अ लार्ज पार्ट ऑफ कैनेडा बेटा ये भी तो सही है उसमें कॉनिफरस ट्रीज है तभी तो न्यूज प्रिंट बना रहा है चलो पल्प एंड पेपर आर द टू इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट सबसे पहले पल्प और पेपर ये दो इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट है किसका भाई कैनेडा का ही तो बात हो रहा होगा वरना ऐसे इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट कहां का कहा का ये भी नहीं हो सकता चलिए अब देखते हैं कि सबसे हम पहले अ लार्ज पार्ट ऑफ अब इसका मतलब है कि या तो ए के बाद बी होगा फिर सी होगा फिर डी होगा है ना खुद देखो बेटा ध्यान से कि अगर हम इसको ऑप्शन को मार्क करें कैनेडा अकाउंट्स फॉर बेटा सी के बाद तो ए चलता क्योंकि यहां पर भी कैनेडा की बात हो रही है यहां पर भी कैनेडा की बात हो रही है है ना फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स देयरफॉर हैव बीन इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स ऑफ कैनेडा फॉर मोर देन सेंचुरी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मोर देन सेंचुरी ये चीजें हैं जो यहां से आ रही है लेकिन एक चीज देखो कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की बात किया है किसमें और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की बात किया है यहां पर भी कि भाई फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक सेंचुरी से ज्यादा उसका रहा है एक्सपोर्ट आइटम्स उनमें से ये दो इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट को फॉरेस्ट प्रोडक्ट से जोड़ के आप लिंक करो बी को डी से लिंक कर दिए हम बी को डी से लिंक कर रही हूं मैं यहां पे सी भी तो चलेगा है ना क्यों क्योंकि अब आ जाओ ए में कैनेडा सॉरी कैनेडा अकाउंट्स फॉर नियरली वन थर्ड ऑफ वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ न्यूज प्रिंट क्योंकि पल्प और पेपर है इसका फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इसीलिए वन थर्ड ऑफ द न्यूज प्रिंट यहीं से आता है देखो समझ में आया जैसे हमने फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स देखा तुरंत देखे कि भाई क्या है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स देखो राइट right? यानी कि हमने तुरंत लिंक किया फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की बात हो रही है तो पल्प एंड पेपर आर द टू इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स ठीक है राइट right? और क्योंकि पल्प एंड पेपर इंपॉर्टेंट है इसीलिए यहां पे न्यूज प्रिंट वन थर्ड जो है वहीं से आता है चलिए बी के बाद डी बी के बाद डी कहां है यहां है यहां पर नहीं है ए से भी शुरू हो सकता था सी से भी शुरू हो सकता था आंसर हमारा सी है बी के बाद डी को लिंक करो बेटा लिंक करना सीखो किसके बाद कौन आएगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट देखो तो ठीक है ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो सीजीएल 2023 दे पाऊंगा या नहीं बेटा आपका एक रिजल्ट आना चाहिए एक डेट जो होता है ना आता है नोटिफिकेशन में उसके अकॉर्डिंग चलो बेटा मैं देख लेती हूं आज क्या बोल रहे हो आप जरा बनाओ तो इसको फटाफट फ़ड़? मेरा वीओडी बैच वगैरह कुछ भी लेना है बेटा ना केडी लाइव से लो लो जरा फटाफट फ़ड़ करो तो इसको देखो जरा ध्यान से बेटा इन चाइना ऑफ़ पीपल सेलिब्रेटेड इट बेटा ये इट कौन है नहीं पता इसीलिए ए से तो शुरुआत होगी नहीं लूनर न्यू ईयर ऑफ द पिग बिगैन ऑन फिफ्थ फरवरी अरे इसका मतलब है कोई लूनर न्यू ईयर होता है ऑफ द पिग बिगान ऑन फिफ्थ फरवरी फिफ्थ फेबर को लूनर न्यू शुरू होता है बी से शुरू होगा बी से शुरू हो सकता है अब आओ के के बाद बाद सही है कि B के बाद D चलेगा इन चाइना थाउजेंड ऑफ पीपल सेलिब्रेटेड इट अब समझ में आ गया इट कौन है बी के बाद ए आराम से चलेगा बेटा उस रात क्या होगा तो लोग हिस्टोरिकल सेरेमनीज को पर डांस ड्रामा वगैरह करेंगे यही तो होगा और क्या होगा वो सब बात की बात है है ना अदर्स बॉन्ड द फर्स्ट जोस्टिक्स मतलब बाकी लोग दूसरे लोग यानी सी बाद में होना चाहिए एनी वे बी के बाद ए होगा क्योंकि हमें समझ में आ गया लूनर न्यू ईयर की बात हो रही है और चाइना में थाउजेंड्स ऑफ पीपल इसको मनाते हैं दिस मीन्स हमारा बी के बाद ए आंसर आ गया ठीक है बेटा आगे ज्यादा मुझे नहीं करना मैं सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरीज़ ढूंढती हूं और उसको लिंक करती हूं जो आपको अभी समझाया है कि सेंटेंस अरेंजमेंट में आपको लिंक कैसे करना है इंट्रोडक्टरी खोजना है आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना इसको सेंटेंस अरेंजमेंट को उतना दिमाग खुलेगा सबसे पहले इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमें समझ में आना चाहिए कि भाई पहले लूनर ईयर की बात कर रहे हैं ना तब बताएंगे ना कि भाई पहले होली की बात करोगे फिर कहोगे ना हजारों लोग होली मनाते हैं ठीक है ना और फिर उस रात क्या करते हैं उस दिन को क्या करते हैं परफॉर्मर्स रिनेक्ट करते हैं हिस्टोरिकल सेरेमनीज को और बाकी लोग जो है वो ये बर्न करते हैं ये सब बात की बात है ये कैसे मनाया जाता है वो बात की बात है यानी जब आप रीडिंग करोगे तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि इसके बाद ये होगा इसके बाद ये होगा बेटा याद रखना रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल हेल्प यू इन थ्री थिंग्स पैसेजेस आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सेंटेंस अरेजमेंट में कुछ ट्रिक्स है जो मैंने आपको लिखवाया है अभी थोड़ी देर में मैं आपका शेयर कर दूंगी कहा नीतू सिंह कैप पे इन दोनों पे मैं शेयर कर दूंगी बेटा नीतू सिंह कैप को आप ज्वाइन कर लेना उसमें मैं बहुत वो वोकैबलरीज डालती हूँ रोज और उसके साथ साथ मैं आपको जितने भी अपडेटेड चैप्टर्स होंगे आपके वोकैबलरी बुक के वो सब डालूंगी और स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह को ज्वाइन करोगे तो रोज उसमें एक स्टोरी डालती हूँ ताकि उसको पढ़ो उसमें enjoy करो उसको और आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर सही हो बेटा सेंटेंस का स्ट्रक्चर तभी सही होता है जब आप छोटे छोटे स्टोरीज पढ़ते हो स्मॉल स्टोरीज से शुरुआत करो ये आज का आपका क्लास है और याद रखना आपको वॉल्यूम टू अगर आप ले लोगे ये आपको बहुत हेल्प करेगा वॉल्यूम टू वॉल्यूम वन आपको ग्रामर एंड वोकैब में हेल्प करता है ग्रामर वन वोकैब के लिए वॉल्यूम वन है वॉल्यूम आज यहां नहीं है मैं आपको दिखा दूं कि वॉल्यूम टू आपको सेंटेंस अरेंजमेंट फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें हेल्प करता है अब आओ मैं इसको अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर कर लूंगी इसमें मुझे सेव करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बात क्या है जब मैं आपको समझाया मैंने तो बहुत गंदा हुआ है हाँ ये जरूर है जिन लोगों को वुकैब का बुक प्री बुकिंग था 15 16 17 18 तारीख तक बेटा उनका कैब का बुक जा चुका है अगर आपका नहीं पहुंचा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करना कल आपको फोन आ जाएगा <coughs> मेरा एक बैच शुरू हुआ है बेटा स्पोकन वाले तो ये बुक ये बैच ले लो बहुत अच्छा बैच है मेरा एक बैच शुरू हुआ है उसका आपको डेमो मिल जाएगा हमारे के लाइव टेलीग्राम uh, चैनल पे नहीं सॉरी के डी लाइव यूट्यूब चैनल पे ठीक है वो बैच नंबर है जो दस फरवरी को आया है मैं इसका फिर से डेमो लूंगी मंडे को और जो लोग अब बस मेंस का एग्जाम देना चाहते हैं या सी एच एस एल का एग्जाम देना चाह रहे हैं बेटा आप लोग ये प्रैक्टिस बैच ले लो इसमें ये सारे क्लासेस भी लोड हो जा रहे हैं जो ऑफलाइन करा रही हूँ वो भी लोड हो रहे हैं और पहले के भी बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिस सेशन से लोड हुए पड़े हैं वो भी आप ले सकते हैं एमटीएस वाले आप ये बैच को ले लो इसमें आपको देखोगे कि मेरा वॉल्यूम वन पूरा वीओडी आपको मिल जाएगा इसके साथ कंप्लीटली ठीक है और ये बैच हमारा वॉल्यूम वन का है 1199 पे एमटीएस वाले तो आप 1500 में आपको पूरा लाइव बैच सारे टीचर्स का प्लस यह मिल जाएगा अगर आप ये लोगे तो इसको 1200 पड़ेगा यानी कि सिर्फ 300 और एक्स्ट्रा लगा के एम का ही ले लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है और स्पोकन वाले ये बैच लो इससे आपका स्पोकन बहुत बढ़िया हो जाएगा मैं जानती हूँ अच्छा आपका ठीक है ये बुक है स्पोकन का बेटा फिर हमने टेस्ट पेपर इंग्लिश और रीजनिंग का निकाल दिया है मैथ्स और जीएस का विद इन टू टू थ्री डेज आ जाएगा ठीक है बेटा क्लोज टेस्ट कराऊंगी मैं पहले मैं सेंटेंस अरेंजमेंट खत्म कराऊं आपको क्योंकि सेंटेंस अरेंजमेंट काफी है मैं आपको मैंने अभी आपको सिर्फ दस सेंटेंस अरेंजमेंट कराया है और देखो हमारा एक घंटा हो गया मतलब एक एक सेंटेंस अरेंजमेंट में कम से कम हमें पांच से छह मिनट मुझे समझाने में लग रहा है आप जब करोगे ना तो आपको एक सेकेंड दो सेकेंड में दो ऑप्शन को एलिमिनेट आराम से कर दोगे बाकी जो ऑप्शन होंगे उसमें थोड़ा सा जब फंसोगे तो थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन मेरे साथ बने रहो इस चैनल पे इसको शेयर कर दो इसको लाइक करके सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को मैं इसमें रोज आ रही हूँ कल मेरा स्पोकिन का क्लास रहेगा कल आप एस वालों की छुट्टी रहेगी और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो मैं आपको अपना नंबर दे दे रही हूँ बस खाली ये याद रखना फोन मत करना मैं फोन नहीं उठा पा रही हूँ ठीक है क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी हो गया है कॉल्स आप इसमें सिर्फ व्हाट्सएप करके छोड़ दो मेरे स्टाफ आपको कॉल कर लेंगे ठीक है डबल एट सिक्स जीरो डबल थ्री ट्रिपल जीरो थ्री गॉड ब्लेस यू अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा ख्याल रखना यू आर प्रेशियस फॉर योर फैमिली एंड द सोसाइटी और मैं चाहती हूं मेरे सारे बच्चे बस खुश रहे है ना लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लोगे जिंदगी अपना रास्ता ढूंढ लेती है बस अपने जिंदगी को संभाल के बचा के रखो गॉड ब्लेस यू